लाचारी पे अगर प्रशासन को थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो अपना शर्म जो है किसी नाले में जाके धो लीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना लाचार है, यहाँ स्ट्रेचर का भी व्यवस्था नहीं है। श्रवण कुमार को आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, रामायण में, और जीते जागते श्रवण कुमार यहाँ हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले भैया हम आपको प्रणाम करते हैं कि इस कलयुग के आप श्रवण कुमार है, इसलिए और यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये अपने पिता को कंधों पे लाद करके ले गए हैं। क्या करवाने के लिए ले गए थे? अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। क्या हुआ था कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कंधों पे लाद के ले जाना पड़ा है? कराने के लिए वहाँ पे हम लोग ले गए, यहाँ पे गए तो हम लोग वहाँ पे देखे तो ऑटो वाले को बोल रहे, तो वो बोल रहा कि नहीं 50 रुपया भाड़ा चाहिए, यही जो स्टार अल्ट्रासाउंड है वहीं पे ले जाना था। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है? पूछे हैं? हाँ सब पूछे हैं सर। क्या बताया है अल्ट्रासाउंड से? ये जो इको का था ना, तो बोले लोग कि बाहर से कराना, इको कराना था। हाँ इको का व्यवस्था नहीं है, हजार करोड़ का हॉस्पिटल बन के तैयार है, इको का और अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी इको के लिए भेजा गया था बाहर जांच करवाने के लिए। और क्यों हजार करोड़ का हॉस्पिटल बना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कि यहाँ से पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। क्या बीत रहा होगा इस पेशेंट के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर? एक तो इनके पिता बीमार है, ऐसे ही मानसिक प्रेशर है इनके ऊपर, और दूसरा कि यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके कारण भी दिक्कत है, और यहाँ से इनको लाद के लेके जाना पड़ा है। और मैं बताना चाहूंगा 2 महीने पहले से यहाँ का सड़क जो है बन रहा है, और 2 महीने से यहाँ का आवागमन जो है बाधित है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग भैया, कुछ कहेंगे आप लोग? कोई कुछ नहीं कहेगा, सारा कोई गूंगा है। सुविधा सबको चाहिए, लेकिन मरेगा कौन? हम लोग मरेंगे। प्रशासन के और सिस्टम के बीच में पिस के मरेगा कौन? हम लोग आवाज उठाते हैं। क्या कहना चाहिएगा? कहेंगे यही कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये सड़क प्रशासन तैयार कर ले। 2 महीने से तो बन रहा है ये सड़क, कब तक बनेगा ये, कब तक कंधे पर लाद कर ले जाएंगे? अब बताइए ना, हॉस्पिटल 1000 करोड़ का बन के तैयार है, और यहाँ इको का व्यवस्था नहीं है, यहाँ अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है। अरे तू है ऐसे नेताओं पर, ऐसे सिस्टम पर, क्या फायदा है इस 1000 करोड़ के हॉस्पिटल का? क्या मतलब है इस 1000 करोड़ के हॉस्पिटल का? देख सकते हैं कितने लाचार व्यक्ति हैं यहाँ पड़े हुए हैं, हार्ट के साथ पेशेंट लग रहे हैं, इसीलिए इको कराना पड़ रहा है। यही ना बात है जी? वो हमारे बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई हैं आपके? हमारे बड़े भाई। देखिए श्रवण कुमार को आप लोगों ने रामायण सीरियल में देखा होगा, लेकिन साक्षात कलयुग में मैंने श्रवण कुमार को देखा, और मुझसे देख करके रहा नहीं गया है, मेरे पास शब्द कम है इनके लिए। और इस हॉस्पिटल के लाचारी के विषय में जितना भी कहा जाए वो सब कम है। क्या कहना चाहिएगा भैया आप लोग? यहाँ 1000 करोड़ का हॉस्पिटल है, और यहाँ अल्ट्रासाउंड का इको का व्यवस्था नहीं है, आप लोग बढ़ रहे हैं। क्या बोलिएगा? कोई नहीं बोलेगा, सारा कोई गुंगा है, किसी का मतलब नहीं है। इधर भी घुमाइए, कोई बोलना चाहेगा कि यहाँ 1000 करोड़ का हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड और इको का व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? हम लोग बोलेंगे, और सिस्टम और प्रशासन के बीच में, नेताओं के बीच में पिस जाएंगे। देखिए उठा रहे हैं अपने पिता को, फिर से लेके जाएंगे कंधों पे शायद लाद के। देखिए आप लोग देख सकते हैं, और इस लाचारी पे अगर प्रशासन को थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो अपना शर्म जो है किसी नाले में जाके धो लीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना लाचार है, यहाँ स्ट्रेचर का भी व्यवस्था नहीं है। क्या सर आप लोग स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आप लोगों से अनुरोध है भैया, नहीं तो नहीं, आप भैया एक देख रहे हैं ना, थोड़ा सा व्यवस्था तो कर सकते थे। तो इस लचर व्यवस्था को देख करके आप लोग के अंदर जरा सा भी शर्म बचा हो, सिस्टम वाले लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो लोग भी हैं, थोड़ा सा भी शर्म बचा हो ना तो किसी गंदे नाले में जाके आप लोग अपना शर्म धो लीजिए, क्योंकि साफ पानी से आप लोग का शर्म नहीं धुलने वाला है। देखिए श्रवण कुमार
आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, लेकिन सामने हमारे सामने जीता जागता श्रवण कुमार दिखाई दे रहे हैं। कितना लचर व्यवस्था है इस हॉस्पिटल की, कितना मजबूरी है देख सकते हैं आप लोग। एक स्ट्रेचर भी नहीं है, 1000 करोड़ का बिल्डिंग और स्ट्रेचर नहीं है। वाह, बकवास सिस्टम है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसमें किसी भी नेता का इलाज नहीं होता है, किसी भी बड़े अधिकारी का इलाज नहीं होता है। सब कोई एक्सपेंस लेके बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहीं उसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। भुगतिए, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। देखिए, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, किसी से भी सवाल पूछा जाएगा सब लोग अपना कान खड़े करके सुन रहे हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। क्या कहना चाहिएगा चाचा? मेरे गलत काम देना चाहिए, व्यवस्था नहीं सरकार को, व्यवस्था देना चाहिए। सरकार तो व्यवस्था दिया है ना, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो लोग हैं, जिनको भ्रष्टाचार करने की लत पड़ गई है, कैसे सुधरेगा सिस्टम? हमारी कमी से ही हो रहा है। हमारे ना कमी है, हम लोग खोजते नहीं है, हमारी कमी ही हो रहा है। एक स्ट्रेचर नहीं है, 1000 करोड़ का हॉस्पिटल, तू आता है ऐसे हॉस्पिटल पे? मेडिकल कॉलेज है ये, नाम के लिए मेडिकल कॉलेज।